नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और वक्त हो चला इनसाइड स्टोरी का। आज बात करेंगे हम, पड़ताल करेंगे नूह हिंसा की। हरियाणा के नूह में हिंसा के बाद पुलिस का एक्शन जारी है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए हरियाणा एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है। हिंसा का असली सच जानने के लिए हिंसा में लिप्त आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है। हरियाणा पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक उपद्रवियों ने पुलिस को टारगेट करके हिंसा की थी। जाहिर है पूरी साजिश और सुनियोजित तरीके से हिंसा को अंजाम दिया गया। हालांकि हिंसा को लेकर पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आ चुका है और पुलिस यूट्यूबर एहसान मेवाती के खिलाफ जांच भी कर रही है। वहीं नूह जिले में अब तक पुलिस 147 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि जिले में अब तक 56 एफआईआर दर्ज किए जा चुके हैं। और इसके साथ ही जबकि पड़ोसी राज्य राजस्थान के भरतपुर अलवर से 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पूरे प्रदेश से अब तक 216 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले को लेकर की जा चुकी है। और वहीं आज आपको बता दें कि हिंसा के बाद नूह में हरियाणा एसटीएफ का एक्शन जो है वो जारी है। हिंसा में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है। हमारे सहयोगी जावेद हुसैन की ये रिपोर्ट देखिए। एक शख्स की पहचान हुई है, यहाँ पर एसटीएफ पहुंची है। हालांकि देखिए एसटीएफ की सामने जो गाड़ी है वो यहाँ पर पहुंच गई है। यहाँ पर एसटीएफ की कार्रवाई चल रही है। ये देखिए एसटीएफ की जो कार्रवाई चल रही है और यहाँ पर पहचान की गई है। पुलिस अपने नेटवर्क सर्विलांस से, टेक्निकल सर्विलांस से जो है वो पुलिस जो है वो लगातार कोशिश कर रही थी और आखिर कामयाबी मिली है बताया गया है। और यहाँ जो एक हॉस्पिटल बगल में वहाँ से लेकर आए हैं, देखिए एक शख्स को यहाँ से किया गया, ये देखिए आइडेंटिफाई किया गया है यहाँ से नू इसमें यहाँ पर जो है लेकर आई एसटीएफ और बड़ी कामयाबी एसटीएफ मान रही है। यहाँ पर देखिए हमारे सहयोगी सुधीर यहाँ पर दिखा रहे हैं कि एसटीएफ यहाँ पर तलाश कर रही थी और एसटीएफ जो है हरियाणा एसटीएफ वो यहाँ पर लेकर एक शख्स को लेके जा रही है जो कि यहाँ पर गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। क्या ये लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है एसटीएफ का? देखिए आपके एसटीएफ के जो जवान है वो यहाँ पर है, यहाँ पर लगातार ऑपरेशन चल रहा है एसटीएफ और एक कामयाबी मानी जा रही है। टेक्निकल सर्विलांस के बेस पर जो है वो यहाँ पर चल रही थी और यहाँ से जो एसटीएफ है वो इस वक्त लेके जा रही है। यहाँ पर देखिए एसटीएफ लेके जा रही है यहाँ से एक शख्स की पहन हुई है। यहाँ से ऑपरेशन चल रहा था, पिछले एक घंटे ऑपरेशन चल रहा था और यहाँ से जो एसटीएफ की टीम है वो यहाँ से एक शख्स को यहाँ से हिरासत में लेके गई है। बताया गया कि सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड और सर्विलांस, टेक्निकल सर्विलांस के बेस पर यहाँ से एक जो सस्पेक्ट है उसको यहाँ से पकड़ा गया। अपने सहयोगी कैमरामैन सुधीर के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़ नूह। 31 जुलाई को नूह में भड़की हिंसा के 8 दिन बाद भी यहाँ की गाँव और सड़कें सुनसान है। दर्द माहौल से घर बार छोड़कर युवा फरार है। हम योगी दीपक शर्मा की रिपोर्ट देखिए। 31 जुलाई को नूह में हिंसा को आज तकरीबन 8 दिन बीत चुके हैं और ऐसे में आज भी अगर बात करें तो ये इलाके सुनसान नजर आते हैं क्योंकि लगातार अगर बात करें, हालांकि कर्फ्यू चला है, दिन में जरूर ढील दी जाती है लेकिन उसके बावजूद सड़कों पर लोगों की जो आवाज आई है वो नजर नहीं आती और ऐसे हालात गाँव में तमाम जगहों पर चौपालों में है। और इस वक्त हम भी नूह की एक चौपाल में यहाँ पहुंचे हैं जहाँ तमाम लोग भी मौजूद हैं। की बात करें जिस तरीके से आज 8 दिन हो चुके हैं, सोमवार को ही, पिछले सोमवार की अगर बात करें तो ये पूरी घटना हुई थी। उससे पहले अगर बात करें तो तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप कुछ बताएंगे गांव में लगभग कितनी आबादी है और फिलहाल क्या कारण है कि गांव अभी भी खाली का नजर आ रहा है? भाई हमारे गांव में 6,000-7,000 के समथिंग लोग हैं, भाईचारा से रहते हैं, हमें कोई ऐसी भेदभाव है ना यहाँ हिंदू मुसलमान का। बाकी गाँव में तो 2-4 ऐसे रहते ही हैं जी जो हर कास्ट में रहते हैं, हर जगह इस तरह। लेकिन क्या कारण अभी भी गांव की सड़कें खाली, लोग नहीं है गांव में? पड़ोस में झगड़ा हुआ है, हालांकि हमारा गांव ऐसे कोई झगड़े की सुर्खियों में कभी भी नहीं आया है, फिर भी पड़ोस हुआ है तो डर तो सभी है। बाकी मुसलमानों को तो ज्यादा है कि भाई यहाँ कोई ऐसे नाजायज उसमें फंस जाए, इसलिए भाई गाँव में थोड़ा। कागजों की बात करें तो 156 गिरफ्तारियां हुई हैं लेकिन ऐसे में एक बड़ा खड़ा ये भी है जिसमें काफी लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। हालात ये है कि पूरा इलाका जो है गांव और आसपास सब खाली जाता है। आपको तो कितनी उम्र हो गई की और क्या कहेंगे अब जो हालात देख रहे हैं? मेरी साल 55 साल की है जी। किस तरीके के हालात अब देख रहे हैं, सुधार कुछ नजर आ रहा है? सुधार नजर नहीं आ रहा है, नजर नहीं आ रहा सुधार। हमारे गाँव में सुधार है, हिंदू मुसलमान दोनों भाई भाई अपने मन मिला कर रहे थे अपने गाँव में।
हमें और किसी की पता नहीं है जी क्या हो रहा क्या ना हो रहा। हमारा गांव माड़ा भाई इसमें अच्छा सुधार है, बढ़िया सुधार है। हम अंदर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, हम सब भाई भाई है, इकट्ठा रहते हैं अपने। लेकिन आज जो भी हुआ चाहे किसी ने भी किया, हालांकि लेकिन डर तमाम लोगों में आपके क्षेत्र में भी है। भाई डर तो ऐसे ही है जी, नाजायज पकड़ा जा रहा है। कोई नाजायज अपना खेत में काम करो, घर में काम करो, दुकान में काम करो, नाजायज आया हाँ पकड़ो ले लेगा हाँ, या बस डर का मारा भाग रहा हाँ जी। नहीं, हमारा गांव में कोई झगड़ा हो ना कुछ ना हो, यहाँ के युवा है वो अपने घरों को छोड़ करके फरार है, क्योंकि कहीं ना कहीं धरपकड़ पुलिस की चल रही है, इस कारण ये क्षेत्र खाली है। यूं तो इस आसपास क्षेत्र की आबादी की बात करें हजारों में है, लेकिन आज गाँव में सड़कें जो है वो सुनसान नजर आती हैं। ये तमाम हालात इसी तरीके के हैं कि सड़कों पर लोग निकलने से भी कुरेज यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। नूह से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। वही हरियाणा के नूह में हिंसा के बाद राज्य सरकार के बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट का आदेश आते ही जिला प्रशासन ने तुरंत अधिकारियों को कार्रवाई से रोक दिया। सरकार की डेमोलिशन ड्राइव का हाईकोर्ट ने सुओ मोटो लिया था। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस गुरमीत सिंह साधुवालिया ने रोक के आदेश दिए। नूह में पिछले चार दिन से तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही थी। इस दौरान 753 से ज्यादा घर, दुकान, शोरूम, झुग्गियां और होटल गिराए जा चुके हैं। प्रशासन ने इन्हें अवैध बताते हुए कहा कि इनमें रहने वाले 31 जुलाई की हिंसा में शामिल थे। और हिंसा के बाद नूह में फिलहाल क्या हालात हैं? डिप्टी कमिश्नर धीरेंद्र खड़गटा से हमारे सहयोगी जावेद हुसैन ने खास बात की, सुनिए। 9 बजे से लेकर 1 बजे तक का जो कर्फ्यू में ढील दी है उसके अंतर्गत जितनी भी सामान्य तरीके से जो दुकानें खुली हैं वो अलाउड है, नेट अभी अलाउड नहीं है सेंसिटिविटी को देखते हुए। तीसरी बात, हमने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के अंदर मैं और SP दोनों मेवात के अंदर गए हैं और अभी हम तावड़ू के अंदर जा रहे हैं, वहाँ पर पंचायतों से सरपंचों से मिलेंगे। साथ में साथ 3-4 हमारे पास आज वेरियस सभाएं आई हैं, दे अशोर्ड अस कि वी विल मेंटेन द पीसफुल। वी ऑल्सो आस्क देम कि भाई आप अपने जो आसपास के लोग हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि कुछ डर है तो उनके साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आप अपने लेवल पर कीजिए। साथ ही साथ हमने ये और कहा है कि भाई आपका अगर कोई भी ऐसा लोग है जो कि अशांति फैलाना चाहते हैं आप उनके साथ हमारे को बताइए, हमको टेकअप डाउन करेंगे। सर, स्कूल कॉलेजेस कब खुल रहे हैं? देखिए, स्कूल कॉलेजेस जैसे भी हमको लगेगा कि सिचुएशन नॉर्मल होगी वी विल कन्वे देम और उसमें हम करवा देंगे। ऑफिसेस हमारे फुल स्ट्रेंथ पे वर्क कर रहे हैं, थिंग्स आर गेटिंग नॉर्मलाइज। धन्यवाद सर। नेग्लिजेंसी की बात आ रही है जो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट भी है, हम ज्यादा डिटेल नहीं जाना चाहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे नेग्लिजेंस थी, लापरवाही थी। अभी ऐसा कुछ नहीं है, सभी समुदाय ग्रुप कह रहे हैं यहां पे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये तो हमारे साथ DC कह रहे हैं नेग्लिजेंसी की जो बात आ रही है वो ऐसी नहीं है, लेकिन लगातार दूसरे समुदाय के जो लोग हैं, दोनों कम्युनिटी के लोग हैं, वो ये बता रहे हैं कि नेग्लिजेंसी की वजह से ही कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला वो बिगड़ा। फिलहाल अभी DC और जो SP है वो यहाँ से तावड़ू जा रहे हैं और तावड़ू में दोनों कम्युनिटी को लेकर एक मीटिंग होगी। यहाँ से पूरी जो SP और खुद DC जो है यहाँ पे इस वक्त मौजूद है और लगातार कोऑर्डिनेशन की जा रही है। और जो उन्होंने कहा कि रेप जैसी जो घटना की बात आ रही थी ये सब अफवाह है, र्यूमर है, और साइबर को लेकर उनका कहना है कि वो जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है। फिलहाल इस वक्त DC और जो SP वहां से निकले हैं और लगातार कुछ खबरों को लेकर बता रहे कि वो रिमर है और उस पे अभी ज्यादा ध्यान ना दीजिए। अपने सभी कैमरामैन सुधीर के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज, नू। हम पहुंच चुके हैं नूह जिले के गांव जीना में, क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरह से जो 35 तारीख को जो हिंसा हुई थी उसको लेकर आज कुछ शांति जिले में देखने को मिली है। वहीं अगर बता दें कि अभी सरकार ने घोषणा की थी बैंकें खोले जाएंगी और जो कि 10 बजे लेकर 3 बजे तक कार्य किया जाएगा, लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये यूनियन बैंक है जो पूरी तरह से ताला लगा हुआ है क्योंकि ये बिल्कुल बंद की हुई है और कोई भी अधिकारी यहाँ पर अभी नहीं पहुंचा जो कि सरकार लगातार इसमें कह रही है कि बैंकें खोली जाएंगी। वहीं आप बता दें कि अभी देख सकते हैं SBI बैंक जो कि ताला, आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें ताला लगा हुआ है, ताला इसमें लगा हुआ है, देख सकते हैं किस तरह से मतलब सरकार के द्वारा जारी किया गया है कि बैंकें सभी खुल जाएंगे, लेकिन गांव की बैंकें अभी भी बंद हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर बैंक जो गांव की बैंकें कब तक वो खुल पाएंगी, कब तक नहीं खुल पाएंगी, क्योंकि जिस तरह से सरकार लगातार गाइडलाइन जारी की गई है कि सभी बैंकें खोली जाएंगी, लेकिन यहां अगर देखा जाए तो हम बैंक जो गांव की बैंक वो सभी बंद पड़ी हुई है। अब देखना ये होगा कि आखिर कब तक लोग गांव के जो कि पैसा निकालने के लिए बैंकों में आएंगे। नूह से सोनू वर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जावेद हुसैन हमारे साथ नूह से लाइव जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ दीपक शर्मा भी आगे जुड़ेंगे। जावेद, आज हाईकोर्ट की तरफ से जिस तरह से फैसला लिया गया, बुजुर्ग की कार्रवाई हम चार दिन से देख रहे थे, बड़ी संख्या में घर जो है उनको गिरा दिया गया है, क्या कहा गया हाईकोर्ट से और सरकार को इस पूरे मामले को लेकर
रिपोर्ट जवाब देने के लिए भी कहा गया है। जिस तरीके से लगातार जो इलीगल कंस्ट्रक्शन और कहीं ना कहीं वो उन चीजों को लेकर जो दिन क्लैश हुआ था, क्लैश को लेकर जो लोग पॉइंट आउट हुए थे उनको भी लेकर ये पूरी बड़ी कार्रवाई है। इस कार्रवाई में हालांकि कोर्ट की तरफ से सो मोटिव लेते हुए इस कार्रवाई को फिलहाल रोक दिया गया है, जो कि डीसी धीरेंद्र जो हमें बता रहे थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी तरीके से जो इस पूरे मामले को लेकर और जो हिंसा को लेकर अब तक जो रूमर जिस तरीके से फैल रहा है और कहीं ना कहीं रेप जैसी चीजों की भी बात सामने आ रही है, तो उससे उन्होंने कहा कि हम इस चीज को डिनाई करते हैं। वहीं आज कर्फ्यू में ढील देकर बैंक कुछ बैंकों को खोला गया, जिससे कि ट्रायल बेस पे देखा जाए कि जो लाइफ है की वो धीरे धीरे अपने पटरी पे जो ट्रैक पे लौट रही है या नहीं लौट रही है। नेट की जो सेवाएं वो अभी भी पूरी तरीके से बंद है। और अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो खुद डीसी और जो नू के एसपी हैं वो तमाम जो मेवात का इलाका है वहां पे खुद ऑफिशियली मतलब वहां पर ऑफिशियली कैब अपनी गाड़ियों से वो वहां पे मार्च कर रहे हैं और साथ ही तमाम उन गांव में कोऑर्डिनेशन। बात अगर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर करें तो कब तक इस कार्रवाई पर रोक रहेगी? जी देखिए, जो अभी तक जानकारी मिल रही है, जो खुद नू डीसी ने बताया कि कोर्ट की तरफ से इस पे अभी फिलहाल रोक लगा दी गई है। अब आगे जैसे भी, क्योंकि अब मामला सब जुडिश है, कोर्ट का मामला है, तो आगे जैसे कोर्ट से जो भी कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन आता है उस डायरेक्शन को देखते हुए आगे। हमसे बातचीत करने के लिए दीपक शर्मा गुरुग्राम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, आपके पास क्या जानकारी है, कितनी गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है? बुलडोजर कार्रवाई पर तो फिलहाल रोक लगा दी गई है कोर्ट की तरफ से। दीपक, आपको आवाज आ रही है मेरी? शायद दीपक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन जो है वो एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। 216 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, 86 लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ लगातार की जा रही है। जो भी इस हिंसा के पीछे है उसे पकड़कर कार्रवाई करने की बात लगातार प्रशासन कर रहा है। इनसाइड स्टोरी मैच के लिए फिलहाल इतना ही।